हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आल्स पन्नो। तो आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं राइटिंग टास्क 2 और राइटिंग टास्क 1 फॉर 30 दिसंबर एग्जाम। तो जिन बच्चों का भी एग्जाम 30 दिसंबर को होने वाला है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इसके लिए आप ये वीडियो पूरी देखें। और अगर हम बात करें न्यू फॉर्मेट और न्यू क्यू कार्ड्स और जो न्यू टास्क आने वाले हैं जनवरी में, उनके बारे में, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सब हम आपको इस चैनल पे बता देंगे। जैसा कि न्यू फॉर्मेट के बारे में अभी बताया है कि न्यू फॉर्मेट में सब कुछ ही न्यू आएगा। जैसे न्यू टास्क आएंगे, कोरोना के रिलेटेड आ जाएंगे, रीडिंग भी उसके रिलेटेड आ जाएगी, और जो भी न्यू अपडेट्स हैं उससे रिलेटेड ही टास्क और रीडिंग आएगी। तो अब हम राइटिंग टास्क 2 के बारे में बात करेंगे। राइटिंग टास्क 2 आपकी स्क्रीन पर शो कर दिए गए हैं। यही राइटिंग टास्क 2 आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेंगे, और आप अच्छे से इन्हें तैयार कर लेना है। और बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है कि राइटिंग टास्क 2 में वो 5.5 बैंड पे ही अटक जाते हैं, तो जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और उनके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना दूँगा कि कैसे वो 5.5 से अपने बैंड स्कोर 6 या 6.5 तक जा सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को वोकैबुलरी में भी प्रॉब्लम आती है कि वोकैबुलरी उन्हें सर्च नहीं पता करनी कैसे है, उन्हें ये भी नहीं पता किस कौन से वर्ड हैं जो जिनके हमें ज़रूरत है वोकैबुलरी की। तो जो कोई भी आपको प्रॉब्लम है वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सब प्रॉब्लम्स के हल मैं आपको कर दूँगा। जैसे कि वोकैबुलरी आपको चाहिए तो वोकैबुलरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा अपने इस चैनल पर, उसके भी मैं वीडियो भी डाल दूँगा। और क्यू कार्ड्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो जिन बच्चों को ने भी अभी वो वीडियो नहीं देखी वो जाके वो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के एग्ज़ाम होने वाले हैं स्पीकिंग के 30 दिसंबर के, तो वो भी उनके स्पीकिंग के एग्ज़ाम में भी वही क्यू कार्ड्स पूछे जाएंगे जो मैंने अपनी वीडियो में अपलोड किए हैं, क्योंकि मैं वही क्यू कार्ड अपलोड करता हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप अच्छे से उन क्यू कार्ड्स को भी प्रिपेयर कर लेना अपने एग्ज़ाम के लिए। और जैसा कि अब हम रीडिंग और लिसनिंग के बारे में कुछ बात कर लेते हैं कि रीडिंग और लिसनिंग का लेवल इजी टू मॉडरेट रहेगा 30 दिसंबर के एग्ज़ाम में। ज़्यादा मॉडरेट नहीं होगा लेकिन इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, और लिसनिंग भी थोड़ी फास्ट हो सकती है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आप अच्छे से कर लेना। क्योंकि ज़्यादातर यही देखा गया कि जब भी लिसनिंग फास्ट आती है तो बच्चों को आंसर सब्सक्राइब करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो वो प्रॉब्लम ना आए आपको, इसलिए आप पहले से यूट्यूब पे जब भी आप लिसनिंग करते हो तो उसमें एक ऑप्शन होती है कि फ़ास्ट लिसनिंग की, उसमें से ऑप्शन में जाके अपनी लिसनिंग फास्ट करके आप उस फास्ट लिसनिंग में से ही आंसर कैच करने की कोशिश करो, तभी आपको रियल एग्जाम में भी आसानी होगी आंसर कैच करने में, और आप अच्छे से बैंड स्कोर अचीव कर लेंगे। और जैसे कि अब हम राइटिंग टास्क 1 के बारे में बात करें, तो राइटिंग टास्क 1 भी आपकी स्क्रीन पर शो कर दिया गया है। और बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम आती है कि राइटिंग टास्क को 1 कैसे लिखना है, क्योंकि ये सिर्फ डाटा एनालिस के बेस पे होता है, जो हमें डाटा गिवन होता है बस हमें वही डाटा लिखना होता है। और बहुत सारे बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि उन्हें ये भी डाटा देख कर लिखना नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ 2 बैंड का होता है। बच्चों अगर ये 2 बैंड हमने अच्छे से हासिल कर लिए ना, तो राइटिंग टास्क 2 में से बैंड स्कोर करना ईजी है बहुत फिर तो। और अगर राइटिंग टास्क 2 में से बैंड आ गए तो आप इजीली 6.5 तक अचीव कर पाएंगे अपने बैंड स्कोर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इन पे टास्क 1 पे ज़्यादा फोकस करना अपना। और जिन बच्चों को नहीं पता कि टास्क 1 भी कैसे करना, तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उनके लिए भी मैं फॉर्मेट प्रोवाइड कर दूँगा। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इसे ज़रूर करना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।